दिन शिवसेना और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इनके संघर्ष का रहा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर किए गए वक्तव्य पर शिवसेना आक्रामक दिखाई दी। मंगलवार की सुबह से ही महाराष्ट्र के विविध शहरों में सेना की ओर से राणे के खिलाफ आंदोलन किया गया। कुछ शिव सैनिकों ने राणे के वक्तव्य के खिलाफ पुलिस शिकायत भी की। इसका नतीजा था कि दोपहर को रत्नागिरी पुलिस की ओर से नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, मगर तबीयत बिगड़ने के कारण राणे को अस्पताल में दाखिल किया गया। मगर जो शिव सैनिक सुबह से आंदोलन कर दिखाई दे रहे थे, उन्होंने ही शाम होते ही नारायण राणे की गिरफ्तार पर जल्लोष मनाया। शहर के मानेवाड़ा चौक पर ऐसे ही आनंदित शिव सैनिकों ने राणे की गिरफ्तारी पर जल्लोष मनाया। आज शिवसेना के लिए बहुत आनंद का दिवस है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में उच्चतरीय जो संवैधानिक पद था आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का, उस मुख्यमंत्री साहब को अपशब्द कर कर बोलने वाले गुरुवादी नेता भाजपा के नारायण राणे, जो कि वर्तमान केंद्रीय मंत्री हैं, उनको शोभा नहीं देता। और ऐसी वस्तु का जो उन्होंने अपशब्द संवैधानिक पद को दिया, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब को दिया, 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र एकमात्र राज्य इस भारत का जिसने उनको कोठारी के अंदर गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया। आज शिवसेना नागपुर शहर आदरणीय दुष्यंत जी चतुर्वेदी और आदरणीय मानमुड़े जी के नेतृत्व में हम संपूर्ण लोग यहाँ पे जल्लोष व्यक्त कर रहे हैं। जल्लोष इस बात का नहीं है कि नारायण राणे गिरफ्तार हुए, जल्लोष इस बात का है कि संवैधानिक पद को गाली देने वाले उस तमाम नेताओं को शिवसेना की तरफ से एक मैसेज है कि वो दोबारा उन्होंने किसी संवैधानिक पद पे गाली ना दे। दलीय राजनीति से ऊपर उठ को हमें पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आदर्श नीति पटती है, हमें नितिन गडकरी साहब की आदर्श सभ्य नीति पटती है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति में जो संवैधानिक पद को गाली देगा उसका हर्ष नारायण राणे जैसा होगा, ये शिवसेना चेताती है। और इसी के बाद यहाँ पर नारायण राणे को कोठारी में जाने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इस मुख्यमंत्री साहब को, इस प्रशासन को, महाराष्ट्र के इकलौते प्रशासन को ढेर सारी बधाई देते हैं और आज उसका जल्लोष मना रही है शिवसेना।